हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छे? बधाने मजा में छे ने? ऑनलाइन लेक्चर में तमारू स्वागत छे। तो आज आपणे हिंदी में पाठ नंबर 6 मालवजी और फौजदार जे एकांकी पाठ छे ए आनी पहेलाना ऑनलाइन लेक्चर में आपणे समझी लीधो छे। हवे आ ऑनलाइन लेक्चर में आपणे એને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરશું। તો ચાલો બધા પોતાની સ્વાધ્યાય પોથી અને પેન કાઢી લેશે, પાના નંબર 44 ખોલી લેશે। કાઢી લીધી બધાએ પોતાની સ્વાધ્યાય પોથી, પાના નંબર 44 નીકળી ગયા। તો હવે આપણે એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે। નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લીએ દિએ ગયે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ ચુનકર ઉસકા ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન કે સામને દિએ ગયે બોક્સ મેં લિખે। કે જે પ્રશ્ન આપેલા છે એના ઉત્તરમાં જે વિકલ્પ આપેલા છે એને આપણે વિકલ્પને પસંદ કરીને સામેના બોક્સમાં લખવાનું છે। પહેલો વિકલ્પ છે શિવાજી કે કમરે મેં કિસકા ચિત્ર થા, એ લક્ષ્મિકા, બી સરસ્વતિકા, સી ભવાનિકા, ડી અંબાજીકા। જવાબ આવશે સી સરસ્વતિકા। ત્યારબાદ બીજો વિકલ્પ છે માલવજી કે પિતા કો મરે કિતને વર્ષ હુએ થે, એ 2, બી 3, સી 4 કે ડી 5। જવાબ આવશે એ। બોક્સમાં એ લખી નાખજો। ત્યારબાદ ત્રીજો વિકલ્પ છે તાનાજીને અપને આપકો શિવાજી કા ક્યા બતાયા, એ મિત્ર, બી ભાઈ, સી સ્વામી કે ડી દાસ। જવાબ આવશે ડી દાસ। ચોથું છે તાનાજી કોણ થે, એ પહરેદાર, બી સેનાનાયક, સી સૈનિક કે ડી સેવક। જવાબ શું આવશે બી સેનાનાયક। પાંચમું છે શિવાજી કે નામ સે કોણ કાંપતા થા, જવાબ છે એ મુગલ સેના, બી નામી ડાકુ, સી રાજપૂત સરદાર કે ડી અંગ્રેજ। જવાબ આવશે એ મુગલ સેના। વિકલ્પ લખાઈ ગયા। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 આપેલો છે કોષ્ટક મેં સે ઉચિત શબ્દ ચુનકર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ। જવાબ એ પહેલું છે હમ દોનો કો પેટ ભર અન્ન મિલના ખાલી જગ્યા હો ગયા હે, તો ઉપરથી આવશે દુબર જે છેલ્લેથી કૌંસમાં બીજો શબ્દ છે। હમ દોનો કો પેટ ભર અન્ન મિલના દુબર હો ગયા હે। બીજી ખાલી જગ્યા કલ ઇસે મૃત્યુ દંડ દિયા જાયેગા, મૃત્યુદંડ આવશે ખાલી જગ્યામાં। ત્રીજું છે મેં જૂઠ બોલકર ખાલી જગ્યા સે બચના નહીં ચાહતા, મૃત્યુ, મેં જૂઠ બોલકર મૃત્યુ સે બચના નહીં ચાહતા। ચોથું છે એસે હી બાલક માતા પિતા કી ખાલી જગ્યા રખતે હે, જવાબ આવશે લાજ। એસે હી બાલક માતા પિતા કી લાજ રખતે હૈ।
पांचमू छे खाली जग्या के साथ इतनी दया धन्य है। जवाब आवशे घातक। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। छठू छे मैं उसकी खाली जग्या पर मुग्ध हूँ। वीरता। जवाब छे मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। सातमू छे स्वामी की खाली जग्या करना दास का कर्तव्य है। जवाब आवशे रक्षा। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। आठमू छे अब तक मैं तुम्हारी खाली जग्या ले रहा था। परीक्षा। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। त्रीजू छे सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु ओ अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, छल कपट सहन नहीं कर सकता, पेट की भूख सहन नहीं करता कर सकता। जवाब आवशे क पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। बीजू छे मालवजी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि अ उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी, ब तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, व क वह अपनी हिम्मत खो बैठा। जवाब आवशे ब तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालवजी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि ब तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। त्यार बाद आपणे सामेना पेज ऊपर विकल्प बे आपेला छे ई जोशु। मालवजी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि अ वह वीर पुत्र था, ब उसे झूठ बोलना नहीं आता था, क शिवाजी उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर चुके थे। जवाब आवशे अ वह वीर पुत्र था। चौथू छे मारने वाले से अ बचाने वाला डरता है, ब बचाना बहुत कठिन होता है, क बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। जवाब आवशे क बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। त्यार बाद प्रश्न नंबर चार छे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्नना जवाब आपणे एक एक वाक्य में लखवाना छे। ओ मालवजी कौन था? तो जवाब छे मालवजी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। पहलू छे मालवजी कौन था? पहला प्रश्ननो जवाब मालवजी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। लखाई गयो। त्यारबाद आपणे जोशु बीजो प्रश्न। मालवजी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? मालवजी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। बीजू छे मालवजी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? जवाब छे मालवजी
धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। त्रीजू छे, मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। फरीथी एक बार त्रीजो प्रश्न जोई लेसु। मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। लखाई गयो त्रीजो प्रश्न। तो हवे आज आपणे चौथो प्रश्न करशु। चौथो प्रश्न छे, शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की? अपनी माँ के दर्शन करने की मालवजी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की? अपनी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। पांचमू छे, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। पांचमो प्रश्न लखाई गयो। त्यार बाद हवे छठो प्रश्न छे, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेनानायकों पर गर्व करती है। फरीथी एक बार बोलू छु, छठो प्रश्न, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेनानायकों पर गर्व करती है। सातवो प्रश्न छे, मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? जवाब छे, तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। सातवां प्रश्न छे, मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। लखाई गयो। हवे आठमो प्रश्न छे, तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रगट किया? जवाब छे, घातक के प्रति दया दिखाने के शिवजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया।
आठमू छे तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया। जवाब छे घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। लखाई गयु। हवे आपणे नवमो प्रश्न लखशू। मालवजी ने माँ को क्या नहीं बताया। जवाब छे मालवजी ने अपने को मिलने वाला मृत्यु दंड की बात माँ को नहीं बताई। नवमो प्रश्न छे मालवजी ने माँ को क्या नहीं बताया। मालवजी ने अपने को मिलने वाला मृत्यु दंड की बात माँ को नहीं बताई। लखाई गयो नवमो प्रश्न। त्यारबाद हवे आपणे दसमो प्रश्न करशू। अंत में मालवजी ने कौन सी प्रतिज्ञा की। अंत में मालवजी ने कौन सी प्रतिज्ञा की। अंत में मालवजी ने यह प्रतिज्ञा ली कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। दसवां प्रश्न छे अंत में मालवजी ने कौन सी प्रतिज्ञा की। जवाब छे अंत में मालवजी ने यह प्रतिज्ञा ली कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। अग्यारमो प्रश्न छे शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। जवाब छे शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। अग्यारमा प्रश्ननो जवाब लखाई गया बाद हवे आपणे एच डब्ल्यू जोशू हिंदीनो। હિન્દીનું એચ ડબલ્યુમાં મેં જે તમને ઓનલાઈન લેક્ચરમાં છઠ્ઠા પાઠમાં જે કરાવ્યું છે પહેલો બીજો અને ત્રીજો પ્રશ્ન અને ચોથો પ્રશ્ન એમાંથી પહેલો બીજો ત્રીજો પ્રશ્ન એકવાર રફ નોટમાં કરવાનો રહેશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો એચ ડબલ્યુ જોઈ લેજો। એચ ડબલ્યુ લખી લીધું ને બધાએ તો હવે આના પછીનો પાંચમો પ્રશ્ન જે છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખી આના પછીના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપણે ભણશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અસ્તુ।